गाइस, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग बूगल बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे हमारी 5 अपडेट्स के बारे में। जैसा कि सभी को मालूम है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजकल काफी उथल पुथल चल रही है। इन सभी अपडेट्स को जानने के लिए देखना ना भूले हमारा ये स्पेशल शो बी अपडेट्स। सदी के महानायक का बड़ा फैसला, कही अंगदान करने की बात। श्रीदित प्रसाद के वकील का दावा, कहा एनसीबी ने करण जौहर के खिलाफ बोलने पर डाला दबाव। अनिरुद्ध राय चौधरी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के साथ एक बार फिर चर्चा शुरू करना चाहते हैं। पायल घोष ने की अनुराग कश्यप पर FIR दर्ज। माल का मतलब सबके लिए अलग है, एक्टर शहजाद खान बोले मेरे लिए माल का मतलब पैसा है। ड्रग्स मामले में बाबा रामदेव ने बॉलीवुड सितारों को बताया नशेड़ी। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। जी हाँ, यहाँ पर बात कर रही हूँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। जी हाँ, उन्होंने अंगदान करने की बात अपने फैंस के साथ शेयर की है। जैसा कि सभी को मालूम है कि अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार है, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ कुछ ऐसी वीडियोस, फोटोज जिसके साथ और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। और इसी बीच अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा शेयर किया है जिसे सुनकर दिल को सुकून पहुंचता है, क्योंकि कुछ ऐसे महान लोग भी हमारी इंडस्ट्री में हैं। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपनी अंगदान करने की बात फैंस के साथ शेयर की है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने कहा है कि वो अपने अंग दान करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या उनके फैंस के अजीबोगरीब कमेंट्स पढ़कर काफी लोगों को अटपटा भी लग रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट पे एक यूजर ने कमेंट करके लिखा है कि सर, आपको तो हेपेटाइटिस है जिसकी वजह से आप अपने ऑर्गन्स नहीं दे सकते। और इसी बात पर काफी यूजर्स अजीबोगरीब रिएक्शन दे रहे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हर किसी के रोल मॉडल हैं और इसी बीच वे ऐसे ऐसे कार्य भी करते हैं जिसकी वजह से और लोगों को सुनकर काफी अच्छा लगता है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि मैं अंगदान करने का फैसला लेता हूँ और इसी के साथ मैं हरा रिबन पहन चुका हूँ। अब इस कैप्शन के साथ उन्होंने ये अपना फोटो जो है शेयर किया ही है जिसमें वो हरा रिबन पहने दिखाई दे रहे हैं। अब इसी बात पर कई यूजर्स के अजीबोगरीब रिएक्शन भी आ रहे हैं। एक फॉलोवर ने लिखा है कि सर, आप वैज्ञानिक तौर पर एक डोनर नहीं है, क्योंकि आपका लीवर हाल ही में ट्रांसप्लांट हुआ है जिसकी वजह से आप एक डोनर नहीं है और आप अपने अंग जो है दान नहीं कर सकते। इससे औरों की जान के लिए खतरा है, बाकी जागरूकता के लिए धन्यवाद सर। मैं आपकी इस प्रयास का सम्मान करता हूं, लेकिन आप एक डोनर नहीं हैं। जी हाँ, इसी बात पर कई यूजर्स के अजीबोगरीब रिएक्शन भी आ रहे हैं। अब साथ ही एक और यूजर ने ये कमेंट किया है अमिताभ बच्चन के फेवर में। उन्होंने लिखा है कि सर, आप अपने आंख, किडनी और दिल जो है डोनेट कर सकते हैं और आपकी इस बात का पूरा सम्मान करते हैं हम। बाकी औरों को उन्होंने लिखा है कि अपनी बकवास बंद करो, कम से कम अमिताभ बच्चन जी ने इतनी बड़ी बात सोची तो है और इतना बड़ा फैसला भी लिया है। चलो, अब तो ये बहुत अच्छी बात है कि अमिताभ बच्चन साहब इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए उनकी प्रशंसा करना तो बनता ही है। करण जौहर की हाल ही में एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें कई बड़े सेलेब्स उस पार्टी में नजर आ रहे हैं। इसी बात पर करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पर भी बयान दिया था। एक लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखकर करण जौहर का कहना था कि ऐसा पार्टी में कुछ हुआ ही नहीं था, मैं पिछले साल भी इस बारे में बात कर चुका हूं और मैं दोबारा उस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता। करण जौहर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक और बड़ी बात सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि क्षितिज प्रसाद के वकील का दावा है कि उन्हें करण जौहर के खिलाफ बोलने पर एनसीबी दबाव डाल रही है। उनका कहना है कि एनसीबी ने उन्हें इसीलिए टॉर्चर भी किया है। उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें सामने रखी जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। देखिए, अब सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद ड्रग्स एंगल जो सामने आया है, इसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम भी सामने आया है। इसी पर करण जौहर का नाम भी सामने आया है। अब क्षितिज प्रसाद के वकील का कहना है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। क्षितिज को अपने वकील से भी एनसीबी ने नहीं मिलने दिया। देखिए, संडे को यानी कि रविवार को क्षितिज प्रसाद को कस्टडी में लिया है एनसीबी ने। उन पर ड्रग्स मामले से जुड़ा आरोप लगा है जिसमें एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि रविवार को उनके घर पर छापामारी भी की गई, जहां पर
कुछ भी एनसीबी के हाथ नहीं लगा। कहा जा रहा है कि बालकनी में सिगरेट के टुकड़े पड़े मिले, जिसे एनसीबी अब गांजा ज्वाइंट बता रही है। जी हां, क्षितिज का कहना है कि वो एक मामूली सिगरेट के टुकड़े थे, जिसे एनसीबी ने इतना बड़ा इशू बना डाला है। उनका कहना है कि मेरे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एनसीबी उन पर जबरन दबाव डालकर गलत आरोप लगा रही है। उन्होंने एनसीबी के खिलाफ कई ऐसी चीजें कही है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो सकता है कि क्षितिज को एनसीबी ने बुरी तरह से ब्लैकमेल किया था और उन्होंने उन पर गलत आरोप भी लगाए थे और करण जौहर के खिलाफ गलत बयान देने पर दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि एनसीबी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। क्षितिज के वकील का कहना है कि एनसीबी का कॉल आया था 24 सितंबर को। इस बात को उन्होंने कोर्ट में सभी के सामने कबूला था, जिसके बाद उनके घर पर छापामारी भी की गई, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला सिवाय दो टुकड़े सिगरेट के, और इसी को एक बड़ा इशू क्रिएट करके। वकील का कहना है कि एनसीबी की टीम गांजा ज्वाइंट बता रही थी बार बार एक टुकड़े सिगरेट को। उनका मानना है कि इतना बड़ा ये इशू नहीं था जितना बड़ा इसे बना दिया गया है। उनसे बुरी तरह से पूछताछ की जा रही है और उन्हें 50 घंटे लगातार पूछताछ की जा रही है, और जब उनसे कुछ नहीं बना तो उन्हें जमीन पर बिठाकर बुरी तरह से उन्हें टॉर्चर भी किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 11 बजे उन्हें एनसीबी ऑफिस पहुंचना था, जो कि वो पहुंचे भी, और उन्हें और उनके दोस्तों को वहां पर 6:30 बजे तक बिठा के रखा गया और लगातार पूछताछ की गई। अब दोनों पक्षों का बयान सुनने के बाद कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक का फैसला और सुनाया है और कहा है कि एनसीबी की कस्टडी में 3 अक्टूबर तक उन्हें और रहना होगा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी को कौन नहीं जानता, दोनों अपनी जोड़ी के लिए अच्छे खासे फेम पा रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अमेज़न प्राइम वीडियोस के साथ मिलकर कई देशों में पहल कर चुके हैं और अब इंडिया में भी ये काम जल्द ही शुरू होगा। जी हाँ, अनिरुद्ध जो कि एक डायरेक्टर है जिन्होंने 2016 में पिंक जैसी फिल्में दी थी, उनका कहना है कि वो एक बार फिर से प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनका ये कॉन्सेप्ट अच्छा खासा रन भी करेगा। प्रियंका चोपड़ा के बारे में भाई कौन नहीं जानता, वो हॉलीवुड में भी उतनी ही फेम पा चुकी है जितना कि बॉलीवुड में है। उनका रुतबा दोनों तरफ है और इसी बीच अब वे एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस भी है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा मिस इंडिया भी रह चुकी है। अगर बात करें अनिरुद्ध राय चौधरी की, तो उनके माइंड में कुछ नए कॉन्सेप्ट है जो कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ जल्द ही शुरू करने के बारे में अपने विचार व्यतीत कर रहे हैं। अब भाई वो प्रियंका के साथ एक नई फिल्म, एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए खास एक्साइटेड है। उनका कहना है कि प्रियंका चोपड़ा एक प्रतिभाशाली एक्ट्रेस है जिनके साथ काम करने में और भी मजा आएगा। उन्होंने कहा कि ये जो स्क्रिप्ट थी इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है और उस टाइम ये बात सुर्खियों में भी रही थी। अब फाइनली वो जल्द ही उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड भी है और काम शुरू भी करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि उस समय जब अफवाहें आई थी तो ये फिल्म क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि उस समय प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में एक शो में व्यस्त थी और अब उन्हें टाइम मिलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने एक नया स्टूडियो हायर करने के बारे में भी सोचा है और जल्द ही वो काम शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में 15 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे मेरे आने वाली फिल्मों के प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था, यानी कि इस बारे में उन्होंने बात की थी और हो सकता है कि 2021 तक जल्द ही फर्श पर उतर आए। आपको बता दें कि पायल घोष ने साल 2013 में अनुराग कश्यप पर बलात्कार के आरोप लगाए थे, जिस पर अनुराग कश्यप ने बयान दिया था कि ये आधारहीन बातें हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मुझे बदनाम किए जाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आज तक ये मामला इतना लंबा खींचता चला गया। अब अगर बात करें अनुराग कश्यप की, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया, लेकिन पायल घोष का कहना है कि उनके साथ ऐसा हुआ था और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में इस पर FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन अब मुंबई पुलिस को भी उन्होंने इस बारे में दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि FIR दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय उन्हें नहीं मिल पाया है, उन्होंने न्याय की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने एक ट्वीट कर और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा लिख रही हूँ, मुझे मालूम है कि इसमें मेरी सुरक्षा भी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ न्याय मिले और अनुराग कश्यप को सजा दी जाए। इसी पर अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट कर कहा है कि
जिस तरह से मैडम आप कह रही है ये एक बेबुनियाद आरोप है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आपने 2013 से 2020 तक मुझे चुप करवाने के लिए, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं आज भी यही कहूंगा कि ये एक बेबुनियादी बयान है और ये बात सरासर झूठ है। अब देखिए, जब मुंबई पुलिस पर ये आरोप लगाए गए कि वो इस मामले में कुछ कर ही नहीं रही, तो अब मुंबई पुलिस भी इस मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रही है और पायल घोष का समर्थन कर रही है और साथ ही अनुराग कश्यप को नोटिस भी भेज चुकी है कि उन्हें बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन आना ही होगा। रामदास आठवले से मिली और वो उनके साथ पूरे सपोर्ट में है, वो उनके साथ खड़े हैं। ये एक बदनाम इंडस्ट्री बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक काली इंडस्ट्री है। जी हाँ, उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि ड्रग्स मामले की बात पहले सामने आई और अब ये रेप केस सामने आया है। उन्होंने इंडस्ट्री को ही बदनाम इंडस्ट्री कहा है और कहा है कि यही इसका काला सच है। लेकिन रामदास आठवले का कहना है कि इस मामले में पायल घोष को न्याय जरूर मिलेगा और अनुराग कश्यप 2013 से इस मामले को लेकर मीडिया के सामने नहीं आए हैं, तो शायद इसका मतलब यही है कि गलती उनकी भी रही होगी, शायद उन्होंने ऐसा किया होगा तभी वो आज तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। अब बस देखना यही है कि पायल घोष को न्याय मिलता है या फिर 2013 से 2020 तक तो ये मामला लंबा खींचता चला आया है, आगे भी यही होगा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद ये जो ड्रग्स एंगल सामने आया है, इसमें कई दिग्गज अभिनेत्रियों का नाम भी सामने आया है, कई बड़े सेलेब्स भी इससे अछूते नहीं रहे। इसी बीच दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और रेहा चक्रवर्ती का नाम इस लिस्ट में शुमार है। आपको बता दें कि अब जब ड्रग्स एंगल में दीपिका पादुकोण का नाम आया तो ये उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने अच्छे स्टार्स का नाम इस ड्रग केस में कैसे आ सकता है। इसी मामले पे सफाई देने पहुंची थी दीपिका पादुकोण एनसीबी के ऑफिस, जहां पर उनसे घंटों पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि जब एनसीबी ने ये सवाल पूछे थे तो इसका जवाब दीपिका पादुकोण ने कुछ इस तरह से दिया था, जब उन्हें पूछा गया था कि माल का मतलब क्या था, उनकी पुरानी 3 साल पुरानी चैट जो सामने आई थी उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ, उस पर बातचीत की गई थी, तो दीपिका ने कहा था कि माल का मतलब हमारे लिए एक नॉर्मल सिगरेट था, मैंने उससे सिगरेट के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं और ये कोड वर्डिंग हमारी चैट्स में चलती है। उन्होंने कहा कि इससे ड्रग्स का कोई भी लेना देना नहीं था, उन्होंने माल सिगरेट को कहा था। और जब दीपिका से बात की गई, एनसीबी ने उनसे पूछा कि वीड और का क्या मतलब है, जो आपकी चैट में शुमार था उसका मतलब हमें बताइए, तो उन्होंने कहा कि हैश और वीड सिगरेट के अलग अलग ब्रांड है, हम इसे कोडवर्ड में हैश और वीड कहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसा सब समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हमारा ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, मैं नॉर्मल सिगरेट की बात कर रही थी और उसके ब्रांड्स की बात कर रही थी। अब अगर बात की जाए एक्टर शहजाद खान की, तो उन्होंने आज तक के डिबेट दंगल शो में जब अंजना ओम कश्यप ने उनसे इस बारे में पूछा था कि दीपिका पादुकोण की चैट में क्या बातचीत हुई थी, तो इस पर शहजाद का कहना था कि हमारे लिए माल का मतलब पैसा है, बाकी हमें नहीं पता लोग किस कोड वर्डिंग में बात करते हैं, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता। जी हाँ, उन्होंने एक तरह से तंज ही कसा था कि हमारे लिए माल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा है। जहाँ सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम ड्रग्स एंगल में सामने आया है, इस पे कई बड़े सितारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाई है। अब बाबा रामदेव भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अब काफी बदनाम हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा है कि बॉलीवुड के सितारे एक गंदी नाली के कीड़े बन चुके हैं और उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिया है। बाबा रामदेव ने साफ शब्दों में कहा है कि सुशांत एक अच्छा लड़का था, उसे बिगाड़ दिया गया था, उसे जबरन नशा करने को कहा जाता था, वो एक होनहार लड़का था, वो सुसाइड नहीं कर सकता था। रामदेव बाबा जी ने ये भी कहा है, उन्होंने इस मामले में अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बॉलीवुड को सीधी तरह से एक बदनाम इंडस्ट्री और गंदी नाली का कीड़ा कह डाला है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की ही बात रामदेव बाबा ने नहीं की, उन्होंने उन
एक्ट्रेसेस का नाम भी लिया जो हाल ही में जिनका नाम ड्रग्स एंगल में सामने आया है, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और रेहा चक्रवर्ती के बारे में भी रामदेव बाबा ने काफी बातें कही है और खुलकर उन्होंने इसका प्रदर्शन किया है। अब देखिए, रामदेव बाबा ने तो इस बात को साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही अच्छे लड़के थे जो कि नशे की लत उन्हें लग ही नहीं सकती थी, उन्हें जबरन नशे में घसीटा गया है और उनसे जबरन ये सब करवाया गया था। उन्होंने कहा कि वो लड़का कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता था, वो एक होनहार लड़का था। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की तो खूब तारीफ की, लेकिन अब जिनके नाम सामने आए हैं उन्हें उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा बताया है। साथ ही उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं कभी भी, मुझे कोई नशीला पदार्थ खिलाने या पिलाने की बात करेगा तो मैं साफ इनकार करूंगा, मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता तो सुशांत भी ऐसा नहीं कर सकता होगा। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं होती, किसी के साथ कोई जबरन कुछ नहीं कर सकता। ये रूमर्स फैलाए गए हैं, एक तरह से रामदेव बाबा जी का ये कहना था। उन्होंने जिसे जो कहना था उन्होंने साफ शब्दों में कहा है और उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बुरी तरह से बदनाम होती जा रही है, हर रोज नए नए ड्रग्स एंगल में हर किसी के नाम आते जा रहे हैं, नए नए मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री खासी बदनाम होती जा रही है। इसी के साथ मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत, बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए बूगल बॉलीवुड।